धर्म, आस्था, मान्यताओं और विश्वासों का एक अटूट संगम है मैहर की माँ शारदा देवी का दरबार, जहाँ के प्राचीन इतिहास के अनुसार ऐसा माना जाता है कि आज भी माँ शारदा के मंदिर की पहली पूजा किसी अदृश्य शक्ति के द्वारा की जाती है, और जिसके पीछे लोक किंवदंतियों और कही सुनी कहानियों की माने तो यहाँ की पहली पूजा आल्हा देव के द्वारा की जाती है। तो मित्रों, माँ शारदा देवी और उनके मंदिर से जुड़े इन्हीं अनसुलझे रहस्यों के बारे में देखेंगे, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त रानू कुश्रेष्ठ, और मैं हूं आज मैहर में, और मैं आज आपको लेकर चलने वाला हूं माँ शारदा देवी की मंदिर की यात्रा के लिए। तो दोस्तों, आइए फिर चलते हैं मंदिर की ओर। तो मित्रों, आगे माँ शारदा देवी जी के इस मंदिर के बारे में जानेंगे मंदिर के प्रधान मान जी श्री देवी प्रसाद जी के माध्यम से, जिन्होंने माँ शारदा देवी के चरणों में करीब 40 साल तक अपनी सेवा दी है, और साथ ही वे मंदिर के 40 सालों के अपने कार्यकाल के दौरान वे मंदिर में होने वाली कई चमत्कारिक घटनाओं के साक्षी भी रहे हैं। लकड़ाहारी जो लकड़ी काटने जाते हैं ना, तो तत्कालीन राजा जो है इनके 5-7 पीढ़ी आगे राजा वो रहे होंगे, तो उनको खबर दी गई कि पहाड़ के ऊपर कोई देवी है, तो उसी समय थोड़ी सही से साधारण हुई बना दिया, और उसके बाद से धीरे धीरे पता लगा कि कोई देवी है वहाँ, कुछ आवागमन बना, राजाओं ने बनवाया। अभी तत्कालीन राजा जो थे अभिजात सिंह जूदेव, कुछ उन्होंने बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ उन्होंने लगवा के मंदिर किसी तरह बना दी, लेकिन 700-800 वर्ष पूर्व आधा उत्तर प्रदेश महोबा के अमरता का बरदान तपस्या करके उन्होंने पाया, उसके थोड़ा पूर्व 8-9 वर्ष करीब होंगे 10वीं शताब्दी करीब, तो दामोदर दास नाम के बाल उड़ीसा प्रांत से आए और माँ के यहाँ तपस्या करते रहे, और तपस्या करके माँ की गोद में वो समा गए। इस तरह से किसी की आज तक इतिहास में स्थापना करने का कोई इतिहास नहीं है, और 200-150 वर्ष से तो हमारी पूर्वज लगातार बाबा पर बाबा हरिदीन, बाबा भगवान दास, फिर पिता श्री शारदा प्रसाद प्रधान पुजारी, और फिर हमारा नंबर देवी साहद महाराज मैया माँ शारदा, और उसके बाद हमारा पुत्र राजेश पवन कुमार शास्त्री, ये हमारी छठवीं पाँचवीं पीढ़ी चल रही लगी था। तो हमारे पूर्वजों ने आजा परिपाल जी ने हमारे आजा पिताजी को जो बताया इसी बात बताते आए हैं कि वो मूर्ति स्वयंभू है, लगाहारे के कारण वहाँ बताया गया, धीरे धीरे आवागमन बनता गया। जो अंतिम राजा थे बंजार सिंह, तो उन्होंने सीढ़ियों का कुछ प्रबंध किया, पानी नहीं पीने पानी का प्रबंध सरकार नहीं, पानी का प्रबंध पानी आए धीरे, आवास तो ऊँचे ऊँचे पर्वत बनो है दीवारों नीचे शहर बसाया, ये हमारे सामने बसाया पूरा का पूरा सा। एक आदमी पेटी लेके आता था और 4-5 बजे घर भाग जाता था, इतना बियाबाद विशाल जंगल था, कोई साधन नहीं था पानी का, रहने का कोई जल्दी साधन नहीं था, लेकिन माँ शारदा की प्रभुता, माँ ने जो इच्छा करके लोग आए, मैंने बांझों को पुत्र दिया, अंधों को आग दिया, कोड़ी को काया दिया, निर्धन को धन दिया माँ शारदा ने, वो हमारा देखा हुआ सुनी बात नहीं है, तो हमारी देखी हुई बात, हालांकि विषय में तो हम देखने की मिलने की इच्छा तो नहीं हुई, एक जगह माँ के चरणों में टिके रहे तो टिके हैं, लेकिन फिर भी पदचिन्ह हमको आला के मिले। एक दिन पट खोलते सफाई हो जाती, पट का खोलना कि एक फूल आया माँ के पास से, हमारे पास माँ बैठी रहा है, तो फूल आया तो उसको हमने उठा लिया, ऐसा फूल अपने जीवन में मैंने कभी नहीं देखा था, अब फूल हमने उठा रख लिया, जैसे माँ का वस्त्र बदला एक फूल फिर आया, उसी तरह तो कोई जीना पड़ता था बाहर, किसी भगत ने देख लिया कि महाराज जी दो फूल रखे हैं, दो लोग हैं आप हम एक मिल जाएंगे उनको, तो आला के पदचिन्ह मिला, आला का एक पदचिन्ह और है
कि माँ शारदा के बगल से वहाँ कोई धूपबत्ती जगह ही नहीं कहीं आधी धूपबत्ती की, बस कंधे के बगल से दो आधी जली धूपबत्ती मैंने निकाली। इससे जरूर है कि आ रहा हो कोई जो भी हो सदरी से आते हैं और अपनी पूजा करते हैं। और एक ही बार देखा मैंने जीवन काल में, रोज का सवाल जो कहता वो गलत कहता है। 40 साल से तो हम रहे और माँ के चरणों में आ गए जैसे पहले, लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि अच्छे रसूलुल्लाह बने तो माँ को रखा रोज बाहर रहता है। उस दिन मैंने भीतर रखे, भीतर रखे आरती किया, मैंने कहा प्रसाद बांटूँ, तो मैंने देखा कि इतना बचा है, बाकी रसूलुल्लाह गया। मैंने डांटा लाने वाले को, मैं फिर ही लाया हूँ, बना के लाया हूँ, आपने स्वयं अपने हाथ से रखा, अब माता जी कुछ कर दिया उसमें क्या जानूँ। तो माँ को लेते तो नहीं देखा पर खा लिया माता जी, जो बचा था उसको हमने स्वयं ले लिया। एक दिन खीर खवला के खीर लाया, मैंने कहा तुम उसको खवा दूँ तो मुँह जल जाए तुम्हारा, माँ को कैसे खवाए हम, खीर हटा दिया उसकी। अब लग गए उससे पूजा में, कपड़े वे वस्त्रों में श्रृंगार उंगार में लग गए, बाद में आरती होती श्रृंगार के बाद। ये तो बोले महाराज देख लीजिए इतना ठंडा हो गया खीर, हमारा भोग लगा दी, देखा तो ठंडा हो गया था। तो हमने कहा खीर भी अंदर रख दी चरणों के पास माँ के, अपना आरती वरती करने लगे उसमें लग रहे। फिर क्या देखते हैं कि जब थाल प्रसाद देने के लिए उनमें तीन निशान उंगलियाँ, वो तो भी खीर का दम और उंगलियों के पूरे निशान दिखाया भक्तों को जो आरती में थे। तो सिद्धू माता खाती भी है, खाते तो नहीं देखा पर आप कहाँ गया खीर, कहाँ गया रसगुल्ला, इसे सिद्ध होता है माँ। मनोकामना पूर्ण करती है। माँ से कहा भी कई बार, मैंने कहा माँ हम रोज बहुत 3 बार लगाते हैं दो बार तो ज्यो का त्यों रखा रहता है, आज रसगुल्ला अच्छे बने हाँ ले लिया जाए। तो उस दिन माँ ने इच्छा पूरी की, लेते तो नहीं देखा पर अकाट सत्य के लिए। उन्होंने एक दिन मैं बैठा था तो घंटा पूरे मंदिर के 4-6 घंटा बजने लगे, 3 बजे रात के 2:30 बजे, और 2:30 बजे के दो मैं 12 बजे बैठ जाता था और 3 बजे के लिए वहाँ से 4 बजे 3 बजे सवेरे उठता था। हाँ 12 से 3 मान लीजिए, 3 के आसपास फिर उठ जाता, 4 से यात्री आने लगते हैं। तो मंदिर के घंटे बजने लगे, मैंने कहा कोई यात्री आ गया, घंटा बजा रहा, जैसे मुड़ के देख कोई ना दिखा, पूरा मंदिर दौड़ चारों दिशाओं में कोई था नहीं। एक दिन हुआ गया देख बड़ा घंटा लगा है, छोटी मोटी घंटी, मैं जैसे खा हुआ एक मित्र मेरा प्रहलाद घंटा दूर ही रहा, वो बा बजाया किसी ने पर बजाने वाला नहीं दिखा, मतलब घंटा कैसे प्रहलाद देखो घंटा कैसे बजाए, शाम को घंटा फिर बजाएगी दोबारा, मगर देखो प्रहलाद बोले हाँ कोई नहीं बजा, कैसे बज रहा घंटा छोटी घंटी शांत हवा तूफान भी नहीं। तो हम जोर से बोला कौन बजा रहा घंटा, शांत हो बंद हो गया घंटा। तो इतनी अनुभूतियाँ हैं और हम कह सकते हैं कि माँ हाई है वहाँ। कब की बात है महाराज जी, हैं कब की बात है ये, कम से कम 15-20 साल हो गए। और दोबारा घंटा बजा तो उसके बाद 5-6 साल हुए होंगे, लेकिन पहली बार जो घंटा बजा उसमें 20-25 साल करीब हो गए। तो अब समझ 150-200 वर्ष हमारी लगातार परंपरागत हमारी गद्दी चली आ रही, तो हम 40 साल रहे अपनी गद्दी अपने पुत्र पवन कुमार पांडे को शास्त्री को सौंप दिया, अभी हाल में जो 2 साल गई। तो जितनी अनुभूति मिली वो शक्तियाँ हमको आपको अर्जन करना पड़ेगा, श्रद्धा हो, विश्वास हो, आस्था हो, भक्ति भावना हो और निरंतर जाप उसका हो, तब तो आपको कुछ अनुभूति हो सकती है। और ये बाहर हम जय श्री राम करने में, नमस्कार प्रणाम करने में, दर्शन करने में दैवी शक्ति की अनुभूति नहीं हो सकती है। और इसलिए एक दिन तो विचित्र वाक्य था, मैं आश्चर्यचकित हो गया। मैं अपने कमरे में बैठा था, इतने में किसी ने कहा भैया सुनो राम की दुख की कहानी, दशरथ जी का मरण हो गया, गए जैसे गए राम, वहाँ गए तो सीता का हरण हो गया, उसके बाद विजय सिंह करके आए लंका से, वहाँ आए जैसे बैठे लाल सिंहासन में
किसी ने कहा सीता ने परीक्षा वहाँ दी, यहाँ देना चाहिए। सीता ने परीक्षा दी और जमीन में सीता चली गई, सब समाप्त हो गया। इसके बाद में राम थोड़ा मन मन में विचार करते बैठे, यमराज आ गया और उसने कहा कि आप अपने धाम को पहचाने। बोले थोड़ा समय चाहता था। बोले यमराज किसी को समय नहीं देता, बोले आप स्वयं समय हैं, आप चाहे जो करें। बोले अच्छा चलो आते हैं। पूरा परिवार लेके लवकुश तक को लेके और सरयू में समा गए। पर मैं नहीं जानता, पूरा पता लगा इलाके में कोई बाजा कोई साउन कोई मऊ कहीं कुछ नहीं था कि ऐसे चौक के सामने कोई बोलता है भैया चलो कहानी। पर हमको ये मिला नहीं बोलने वाला कौन था, नहीं जान पाया मैं। और दरवाज़ा हमारे अकेले कमरे में, पहले मैंने मुआयना किया ये देखो पता लगाओ बहुत कौन बाजा वाजा कहीं कुछ, सब सो रहे थे प्रातः 5:30 बजे। पर सपने माँ शारदा के, राम लक्ष्मण सीता के, हनुमान जी के, शंकर जी के, इनके दर्शन और बातचीत सपने में किए, बातचीत की। और सपने में उन्होंने कहा तुम ले लो, मैंने कहा जी अच्छी बात प्रणाम। और सपने टूट गया, हमने कहा सपने मंगल लिख लिया हमने, 6 महीने के अंदर वो जो कहा था कि ले लो हमको मिल गया। इससे बड़ी क्या अनुभूति हो सकती है। तो मित्रों शारदा माई के मंदिर के बाद हम आ पहुंचे हैं आल्हा देव जी के अखाड़े पर और इसके बारे में जानेंगे यहाँ के जो महंत जी हैं उनके माध्यम से आपको इस जगह के बारे में हम बताएंगे। यहाँ उनकी आल्हा अखाड़ा के नाम से प्रसिद्धि है। तो यहाँ जब से वो 52 गढ़ों के राजाओं को विजय प्राप्त किए थे तब से आल्हा अखाड़ा की प्रसिद्धि है। इस अखाड़े की ये मान्यता है कि ये इसकी मिट्टी इसकी रज इसकी रजों में कणों में आज भी आल्हा की वीरता का संचार होता है। लोग पहलवान लोग आते हैं काशी से मथुरा से और गया से, तो ये लोग यहाँ की मिट्टी की रज ले जाते हैं और वो अपनी अनुभूति बताते हैं कि इसको लगाने से इसका तिलक धारण करने से मनुष्य को वीरता और सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है। तो आल्हा देव जी भक्त श्रेष्ठ हैं, अमर भक्त हैं, आज भी माता जी के यहाँ पर आज भी प्रथम पूजन करते हैं और इनको माता जी ने वरदान दिया है जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक ये अजर अमर रहेंगे और नित्य प्रथम पूजा का इनको वरदान प्राप्त है। इन्होंने अपना शीश काट करके माँ के चरणों में अर्पित किया था तब से ये अमरता प्राप्त किए। और इनकी आल्हा उदल तालाब की विशेषता ये है कि इनकी वीरता इतनी श्रेष्ठ थी कि एक दिन में ही इतने बड़े तालाब को खोद दिए थे, ये उनकी वीरता का प्रमाण है। और उनकी पर्सनालिटी भी एक विशेष अद्भुत था, जिनकी पर्सनालिटी को देख कर ही इनके विरोधी लोग इनके वैरी लोग हतोत्साहित हो जाते थे। अतः इनका शारीरिक सौष्ठव शारीरिक जो पर्सनालिटी थी वह विचित्र और अद्भुत था। यहाँ 11वीं-12वीं शताब्दी में आल्हा देव जी यहाँ माँ शारदा के यहाँ आए 52 गढ़ों की विजय प्राप्ति करने के लिए और यहीं पे साधना करते हुए उन्होंने माँ का साक्षात्कार किया और माँ से ब्रह्म ज्ञान आत्म ज्ञान तत्व ज्ञान यथार्थ ज्ञान परमार्थ ज्ञान संपूर्ण ज्ञानों की प्राप्ति करके आज भी वो जनहित परहित में तत्पर रहते हैं। लेकिन अब वो अमरत्व को प्राप्त हो गए अर्थात देवत्व को प्राप्त हो गए। पहले मानव रूप में जन्म लेकर के मृत्यु विजेता बनकर के आज भी वो माँ की सेवा में तत्पर है। तो मित्रों कहते हैं कि जब दिल्ली और महोबा की लड़ाई हुई तो दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान और ऊदल के बीच एक युद्ध हुआ जिसमें ऊदल वीर गति को प्राप्त हुए, जिसके बाद अपने भाई को मरता देख आल्हा आवेश में आ गए और पृथ्वीराज चौहान को पूरी सेना सहित तुरंत ही युद्ध में हरा दिया। पर अंत में गुरु गोरखनाथ के कहने पर आल्हा ने पृथ्वीराज चौहान को जीवन दान दे दिया। पर उसके बाद कहते हैं कि 52 गढ़ के विजेता आल्हा ने अपने जीवन में संन्यास ले लिया और त्रिकुट पर्वत की ही किसी गुफा में माँ शारदा भवानी की पूजा और ध्यान करते करते वो सदा के लिए अंतर ध्यान हो गए। तो जैसा कि हम जानते हैं मैहर के इसी त्रिकुट पर्वत पर देवी सती का हार गिरा था जिसके बाद से इस जगह का नाम मैहर पड़ गया यानी कि माई का हार। और इस जगह पर पाल बघेल चंदेल और गौड़ आदि राजाओं ने माई के आशीर्वाद से मैहर पर शासन किया था। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा।
इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ट्रेवल विद को। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई जगह और एक नए वीडियो के साथ।